या हम निकल चुके हैं अपनी गली से, थ्रू ये कॉलोनीज बनी है, यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे। 15 गेट खुला गया है, मतलब आजकल सारे गेट खोल रखे हैं। आने बारिश होती है, डूब बेचारा दिल्ली जाता है। पिंक कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे टरबाइन है संगम। ओ भाई मुझे डर लग रहा है इसमें आके। तो अभी हम निकल रहे हैं अपनी गली से और जा रहे हैं और यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर के अंदर है जो भी है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी गली से और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौराहा है, इसे हम डाक पत्थर या धनवंतरी चौराहे भी बोलते हैं। वैसे डाक पत्थर चौराहे से थोड़ा नीचे वाला चौराहा है, बाईपास चौराहा, और यहाँ से आपको सीधा जाना है नीचे। आई थिंक यहाँ से आपको पड़ेगा मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर, इतना ज़्यादा दूर नहीं है डाक पत्थर विकास नगर से। तो अगर आपको अगर देहरादून से विकास नगर आ रहे हैं तो तब आपको पड़ जाएगा कम से कम 45 किलोमीटर के करीब। बहुत प्यारी जगह है, एक देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सबसे नज़दीक पड़ने वाला डैम एक यही है जो सबसे नज़दीक पड़ेगा आपको। बहुत प्यारा डैम है, यहाँ पे यमुना और टोंस का संगम है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे कहाँ पे इसका संगम। तो वैसे ऊपर है मगर जो टनल के थ्रू यहाँ पानी आता है उसका संगम भी है यहाँ पे। तो लेके चलता हूँ आपको, मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ इसमें। तो ये बिल्कुल जो ऊपर से हिमालय की जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ आ रही है उसका तराई है ये। यहाँ से इसके बाद प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, इससे इतनी ज़्यादा रश नहीं होता है इस जगह पे, ज़्यादा रश भी नहीं होता है और बहुत शांत एरिया है। और मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे अपने घरतवाड़ी एरिया से, विकास नगर से ज़्यादा अच्छा खूबसूरत ये लागपत्रा का एरिया लगता है। लागपत्रा कोई बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा एक कस्बा टाइप का है, शहर भी नहीं है, कस्बा है छोटा सा, कोई बड़ा मार्केट नहीं है। और देखो सामने पहाड़ में धूप लगी हुई है और हमारे यहाँ पे अभी धूप है नहीं। आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही होगी मेरी, मुझे नहीं पता, मगर ये है बस इतना सा है डाक पत्थर का मार्केट। ये थोड़ा इधर सरस्वती विद्या मंदिर है, ड्रेसेस चेंज हो गई है इनकी इंटर कॉलेज वालों की। ये है सरस्वती विद्या मंदिर, इधर से जाते हैं घूम के। इधर भी एक रूट है, एक ये डायरेक्ट नीचे जा रहा है मगर हम इधर से जाएंगे घूम के, हम आपको थोड़ा घूम के ले आते हैं। क्योंकि जो इधर के कॉलोनी वाला एरिया बहुत प्यारी तरह से इन्होंने एक मास्टर प्लान के थ्रू ये कॉलोनीज बनी है, तो बहुत अच्छी बना रखी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। मतलब कितना अच्छी तरीके से मास्टर प्लान में यहाँ पे सारे रोडें जो है वो सब 90 में काटती है एक दूसरे को। ये देखिए कॉलोनीज हैं उनकी, जो यहाँ पे अधिकारी और जो यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं जितने भी हैं, ये उनकी कॉलोनीज और उनके घर है, ये सरकारी क्वार्टर्स है। इसीलिए मुझे ये अपना डाक पत्थर इसीलिए मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छी तरीके से। ये कोई गचपच में बनाया हुआ शहर नहीं है, ये एक मास्टर प्लान के थ्रू बनाया गया पूरा एक कस्बा है। जिस ये देखिए सामने, बस ये ढलान पार करते ही आपको यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए सामने आजकल शायद फ्लो बढ़ा हुआ है, ये देखो आजकल थोड़ा फ्लो बढ़ा हुआ है नदी में, देख सकते हैं आप आजकल यमुना का भी फ्लो काफी बढ़ रखा है। अब ये ऐसे मत सोचे कि इधर की साइड है, ये बीच में एक टापू सा दिखाई दे रहा है, ये बट्टी भी है, उधर के साइड से भी आ रही है यमुना, तो इसलिए बहुत चौड़ा एरिया है इसका। ये देखिए आगे बैराज का एरिया आ गया है, ये डैम आजकल इसका पानी मटमैला हो रखा है, थोड़ा ऊपर 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण पानी पूरा मटमैला हो रखा है। तो ये देखिए आप बैराज, आपको मैं नजदीक से दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये है हमारा उत्तराखंड का जो तराई में स्थित एक डैम,
बहुत कम डैम है उत्तराखंड में, जो तराई एरिया में बसाए गए हैं, बनाए गए हैं, जो मतलब बिल्कुल जमीन पे आके बनाए हैं, वरना मैक्सिमली जो हमारे डैम है वो पहाड़ में ही है। हरिद्वार का डैम होगा शायद आई थिंक जो प्लेन एरिया में बनाया गया है, और एक ये डाक पत्थर का। तो इससे ही तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डाक पत्थर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना जी। तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ पूरा डाक पत्थर का डैम, डैम बैराज बोलते हैं इसे वैसे, डाक पत्थर बैराज। तो ये इकलौता एक ऐसा बैराज है जो हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बसा हुआ है, बिल्कुल तराई पे। तो मिलते हैं आपको पूरी वीडियो में। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बनिए रहिए वीडियो में, बाय बाय, सी यू। ये है वो नहर जिसे शक्ति नहर के नाम से जाना जाता है, देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी नहर है। क्योंकि ये यहाँ से और हरियाणा बोला जाता है कि हरियाणा पौंटा, हरियाणा उधर से आगे हरियाणा भी जाता है। पौंटा तक तो मैंने खुद देखी है नहर, मगर उसके आगे मैंने सुना है कि हरियाणा भी जाती है। तो देख सकते हैं कितना कितनी चौड़ी है। तो इसकी डेप्थ खुद ही लगा लो 30 मीटर, 30 मीटर की गहराई है इसकी। इसका कोई रीडिंग वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे उत्तराखंड में सिर्फ ऐसी दो ही नहरें हैं, एक गंगा माँ गंगा पे बनी हुई है और एक ये यमुना जी पे बनी हुई है। दो ही नहरें ऐसी जो ऐसी बनाई गई है। तो देखिए ये है वो डैम, बड़े जाली लगा दी गई है, जाली लगा दी गई है। अरे ये पास क्रेन क्रेन है इसके गेट गुट खोलने के लिए, ये गेट खोलने के लिए हम ऊपर बनाएंगे। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पैदल चल के, क्योंकि ये देखिए अभी जो गेट देख रहे हैं, ये एक गेट खुलता है उत्तराखंड में और दूसरा खुलता है इसका हिमाचल में। तो हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे अभी, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको एक राउंड में इसमें दिखा दूँ। क्योंकि अगर इन्होंने कैमरा वीडियो बनाने के लिए मना किया तो मुझे उससे बनाने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं एक बार मोटो ब्लॉक के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए वापस आएंगे, कोई नहीं हाथ से ही बनाएंगे, उनको मैं पूरे प्यार से पूरा ढंग से दिखाऊंगा कि क्या क्या है। गेट नंबर 17-18 जो कि हम आधे से ज्यादा में आ चुके हैं, 19, 20, 21, 22 25 गेट है इसमें। और ये जो पुलिस बैठी हुई है ये हिमाचल की पुलिस है, देखो हिमाचल पुलिस लिखा भी है इसमें। तो ये है हम हिमाचल के एरिया में, और हिमाचल के एरिया में आ गए हम। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितना तेज बहाव है इसमें। तो अगर इसमें मेरा कैमरा गिर गया तो गया समझो। तो देख सकते हैं कितना भयंकर बहाव आ रखा है, बिल्कुल पानी उबल रहा है। तो अभी गेट पूरे खोल रखे हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी बरसात हुई है, तो चक्कर में पूरा गेट खुला हुआ है, पूरा गेट खोले हुए हैं। ये देख सकते हैं कितनी चौड़ी है यमुना जी। ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर भी डिसाइड करती है, हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर भी डिसाइड करती है, इसलिए जो उत्तराखंड और हिमाचल का
विभाजन हुआ है वो यमुना पे और क्रॉस पे हुआ है। नीचे तराई में यमुना पे और ऊपर पहाड़ में अपना क्रॉस पे डिवीजन हुआ है और दोनों ही नदियाँ यहाँ आके मिलती है। देखिए अभी इनके सारे गेट खोल रखे हैं। गेट नंबर चार पूरा दिखाई दे रहा है, गेट नंबर चार पूरा खुला हुआ है। ये देखिए नीचे आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितना पानी का कितना भाव है, जब पूरा गेट खोल दिया जाता है तो देखो कैसे पानी उबलता है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पानी खोल रहा है, इसलिए मुझे खुद देखने से डर लग रहा है नीचे। वैसे स्कूल पे वीडियो शायद अभी मुझे तो नहीं रोका वीडियो बनाने से, मगर कईयों ने बताया कि रोकते हैं यहाँ पे, बनाने नहीं देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इधर का जो हमारी यमुना जो उत्तराखंड से आ रही है, ये देखिए पूरा डैम आजकल पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ। यहाँ पे पूरा डैम इससे ही भरा हुआ है। और अभी जब हम जिधर के साइड जा रहे हैं, अभी मैंने आपको मोटर ब्लॉग में दिखाया था मगर अभी भी दिखा देता हूँ, जो अभी हम जिस साइड जा रहे हैं ये देखो यहाँ पर पानी का देखो कितने हाइट तक आ रहा है पानी। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल फेस के पास आ गया पानी, क्योंकि ये रहा यहाँ की इसकी हाइट और ये देखिए पानी कितना हाइट तक आ रहा है। क्योंकि कभी गर्मियों में मैं आता था तो ये बहुत नीचे होता था, ये तो बहुत हाइट पर आ रहा है पानी, बहुत ही ज़्यादा हाइट पर, वरना ये इतना हाइट पर आता नहीं है पानी मैक्सिमली। ऊपर तीन चार दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है, इस चक्कर में इतना हाइट पर उफान मार रहा है पानी। और लोग आजकल भी इसमें मछलियाँ पकड़ रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे तो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो वहाँ कोने में वो बंदा मछली मार रहे हैं, उनकी भैंसे भी हैं वहाँ पे और वो साइड में बैठ के मछली मार रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें आजकल, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये लाइफ एक किलो या दो किलो मछली पर नहीं डिपेंड करती है। इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल से ये लाइफ मिलती है, इतनी अच्छी लाइफ, और आप उसको एक दो किलो मछली या तीन किलो मछली में तोड़ देते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करें आजकल बरसात में। इसका व्यू इधर डैम का जहाँ पे पानी रोका जाता है, और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोला जाता है कि अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे डिनर करते थे, जो यहाँ के इंजीनियर थे, यहाँ के जो अधिकारी थे, ये जो बीच पे छतरी टाइप का दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कभी डिनर करा करते थे नाइट में, अपना पार्टी होती थी उनकी यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ये अभी भी कभी कभी जब हमारे बड़े बड़े मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो उनके लिए खोला जाता है। ये वहाँ से देखते हैं, ये बिल्कुल बीच में बनाया गया है, बीच में मतलब काफ़ी बीच में है, देख सकते हो आप कितना दूर है। बिल्कुल बीच का मतलब ये नहीं होता कि सेंटर में होगा, फिर भी काफ़ी बीच में है, नदी के ही बीच में है। तो देखिए इधर का भी, इधर के गेट कम खोले गए हैं तो यहाँ पर पानी का उतना ज़्यादा भाव नहीं है, मगर खोले तो गए हैं यहाँ पे। ये 14 और 15 गेट खोला गया है, मतलब आजकल सारे ही गेट खोल रखे हैं। 14-15 गेट खोलने का मतलब नीचे बहुत ज़्यादा बाढ़ आना। आजकल जो दिल्ली वाले परेशान हैं, मुझे लग रहा है वो इसी से परेशान है, क्योंकि ऊपर पहाड़ में बारिश होती है, डूब बेचारा दिल्ली जाता है। तो यही कारण है जो आजकल दिल्ली में पानी के वो बढ़ा हुआ है, वहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है, और जो दिल्ली में बाढ़ आ रही है वो यही कारण है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन से तो मैं भी लगातार वेट कर रहा था कि मैं भी जाऊं कहीं घूमने, मगर पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखिए यहाँ पे वो भी है लगा हुआ नापने वाला कि कितनी डेप्थ है इसकी, इसमें मगर अब नंबर्स मिट चुके हैं वरना कैसे देखेंगे। ये है वो, देखिए अब मैं सामने ले आता हूँ आपको, ये है देखिए वो जहाँ से सेंटर में इसके जाते हैं और अपना लंच डिनर किया करते थे उस टाइम में। बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, तो मुझे यहीं से अच्छा लग रहा है। ये देखिए
यहाँ का वो भी खुला हुआ है, ये है रास्ता अंदर जाने का। ये देख सकते हैं आप एचपी की बस है ये, और ये इधर से ये एचपी के बॉर्डर बॉर्डर में चलती है, तो ये उत्तराखंड में नहीं आती है, पुलनी पार करती है, ये एचपी के बॉर्डर पे ही चलती है। यहाँ का छोटा सा शाही पानी की टपरी, इसे खोदरी के नाम से जाना जाता है, हिमाचल का एरिया ये पूरा। ये पूरा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने ये गार्डन बंद क्यों कर रखा है, इतना प्यारा गार्डन है यहाँ पे, बंद पता नहीं क्यों करा हुआ है इनका, खोल के रखते आबाद रहता, पूरा बंद करा हुआ है, हिमाचल वालों की मर्जी। ये देखिए नीचे सोलर, आप लोगों को समय दिखा रहा था ना सोलर का, सोनर का देखो कितना बड़ा है, देखिए इससे बड़ा उत्तराखंड में है, बहुत बड़ा है, किसी दिन आपके लिए मैं प्रॉपर सोलर का बना के लाऊंगा वीडियो। ये देखिए इससे बीच की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि प्रोहिबिटेड एरिया था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा एरिया आप लोगों को रिकॉर्ड करना है और कौन सा नहीं। तो ये है हमारा वो एरिया जहाँ पे टॉस मिलती है, ये है वो टॉस नदी, ये देखिए ये है टॉस नदी जो यहाँ पे इसे मिलती है, जो नहर में लास्ट में यहाँ पे आके जमुना पे मिलती है, तो ऊपर से ये टनल के थ्रू यहाँ तक छोड़ा जाता है। ऊपर ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं यहाँ पे टरबाइन है जिसपे ये पूरा पानी गिरता है और बिजली बनाई जाती है, यहीं पर है पूरी बिजली बनाई जाती है। तो ये टॉस का एरिया है पूरा, ये टॉस नदी आ रही है, एक हिसाब से इसे टॉस और यमुना का संगम भी बोल सकते हैं। देखिए ये है वो जगह, इसे टॉस का संगम, हो भाई मुझे डर लग रहा है इसमें आके, देखिए कितना खतरनाक व्यू है, बहुत खतरनाक व्यू है यहाँ पे। ये यहाँ पे टॉस और यमुना का संगम, ये देखिए सामने यमुना है और ये इधर से टॉस आ रही है और ये सामने डैम है, ये पूरा टॉस का एरिया है। इसके आगे कुछ है नहीं दिखाने को क्योंकि इसके आगे पूरा घास फूस जम चुके हैं। ये देखिए पूरा इसके आगे पूरा घास है, ये टापू सा बना हुआ है जो यमुना को दो भागों में बांट रहा है, ये इधर ये टापू सा बना हुआ है, ये इधर भी सोलर प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे आके जो सुकून और जो शांति है बहुत, मतलब शहर से कुछ किलोमीटर दूर पे ही आपको शांति मिल सकती है, तो वो है डाक पत्थर। डाक पत्थर में यहाँ पे आप आके आराम से बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ये देखिए किसी हिमाचल की बस आ रही है, देखिए मतलब इधर टाइम टू टाइम रूट टू रूट बस चलती है, से 360 व्यू दिखाता हूँ आपको मैं पूरा। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लोग यहाँ पे आते हैं इवनिंग वॉक के लिए, पूरा कोई हमें कोई ऐसा टैक्स नहीं पड़ता है कोई क्रॉस करने पे,
आराम से हम आ जा सकते हैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में, और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाले हिमाचल वाले भी आराम से उधर आ सकते हैं, मगर इधर की साइड हिमाचल में कोई कस्बा कुस्बा नहीं पड़ता है, इसलिए मैक्सिमली हम ही लोग आते हैं इधर। और यहाँ पे वॉक, इवनिंग वॉक के लिए, तो देखिए कितना प्यारा, कितना बड़ा डैम है ये, पार पूरा उत्तराखंड का एरिया है। तो वापस चलते हैं हम बैराज के पुल पर और वहीं पे शूटिंग करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें हमसे कहाँ छूट गई हो। हाँ, अभी हम जब इधर को आए थे उस समय कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, अभी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग वो हेलमेट की उसकी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इस चक्कर में, तो क्यों रिस्क लेना है किसी चीज़ के लिए, क्या पता मना कर दें इस पुल पे वीडियो बनाने के लिए। वैसे अभी तक तो रोका नहीं, मैंने उधर वाले गेट से बनानी शुरू करी थी और हिमाचल वाले गेट तक, मगर उन्होंने किसी ने रोका नहीं, मगर कोई भरोसा नहीं है कि कब मना कर दे या कुछ, तो इसलिए मैंने बनाई नहीं उस समय भी। तो आजकल बरसात के कारण पूरा डैम भरा हुआ है, ये देखिए पूरा डैम भरा हुआ है बरसात के चक्कर में, यहाँ चाहे कितना भी पानी इकट्ठा हो जाए यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमली तो नदी के द्वारा भी निकाला जाता है पानी, मगर इसके साथ जो लिंक नहर है जो सीधे पौंटा जाती है हरियाणा, तो उसके द्वारा भी काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ पे डैम पे प्रेशर नहीं पड़ता और नदी से और नहर के द्वारा निकाल दिया जाता है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे और एक भैया मिले हमें, उनसे पूछने पता चला कि यहाँ पे होती है यमुना आरती, तो मैंने पूछा उनसे कि यहाँ पे यमुना का मंदिर भी है कोई, तो यहीं पे बगल में ही है यमुना का एक मंदिर, मैंने भी कभी नहीं देखा, आज पहले वहाँ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे यमुना आरती भी होती है, आजकल यहाँ हो रही है यमुना आरती, मगर वैसे वहाँ होती है। ऋषिकेश में गंगा आरती होती है आपने नॉर्मली देखा होगा, मगर जहाँ यमुना जी है यहाँ पे कोई आरती नहीं देखी मैंने आज तक, तो आज हम देखते हैं कहाँ पे है वो यमुना जी का मंदिर, कहाँ होती है वो यमुना जी की आरती। तो ये आ गए हैं हम उसी रूट में वापस, इधर राइट हैंड साइड से हम बैराज के लिए निकलते हैं, अभी हम लेफ्ट साइड टर्न ले लिया है, और पहले देखते हैं हम कहाँ पे हैं ये, अभी तो रास्ता वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, मगर देखते हैं, बता रहे थे कि रास्ता अब ठीक कर दिया है, तो पहले चलते हैं, ये है वो रास्ता, यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। मेन बात ये है कि हमारे इतने नज़दीक होने के बाद भी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कोई यमुना जी का मंदिर है, रियली है मुझे काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे आके, मगर आज तक मैंने कभी किसी से सुना नहीं, तो आज पहली बार जा रहा हूँ मैं भी यमुना जी के मंदिर पे, और कभी वक्त मिलेगा लगता है। इधर के साइड है, इधर के साइड पहले यहाँ चलते हैं, इधर पक्का कर रखा है, तो इनसे पूछते हैं, यहाँ पे भैया भी आगे। अंकल जी वो यमुना जी का मंदिर कहाँ पे है? ये वाला है, मतलब बगल में है हमारे और हमें पता ही नहीं। काफी अच्छे लोकेशन पर बना हुआ है, अभी मंदिर आई थिंक की बंद है, तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे बना हुआ है ये मंदिर, बहुत प्यारी लोकेशन है, शांति को तो आप महसूस कर ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नदी की आवाज़ आ रही है मुझे, और ये है वो यमुना जी का मंदिर।
छोटा मंदिर है मगर काफी सुंदर और काफी प्यारा बनाया गया है। यमुना जी की मूर्ति है, इसके अंदर भी बाहर ताला लगाया गया है और ये है वो जगह जहाँ आरती होती है इसकी। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये देखिए यमुना जी ये है यहाँ पे। यहाँ पे ये पहली बार पहाड़ों से नीचे आके तलहटी पे आती है, ढलान पे। ये देखिए ये है वो बैराज। देखिए प्रकृति की गोद में बसा हुआ हमारा अपना प्यारा डाक पत्थर। तो आपको मैं फिर से मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ, देखते हैं वहाँ पे और कौन कौन से मंदिर हैं। ये थोड़े से उधर पेड़ों के साइड भी दिखाई दिए कुछ मंदिर। तो आपको किसी दिन यहाँ की आरती दिखाते हैं। तो एक बार और इस नज़ारे को अपनी आँखों में बसाते हुए चलते हैं फिर मंदिर की ओर। अभी यहाँ पे काफ़ी रोशनी हो रही है इसलिए अंदर अंधेरे में देखना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। अंदर किसी माता की मूर्ति है मगर कैमरे में आ नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं पीछे, यहाँ बगीचे में मुझे शिवलिंग सी दिखाई दे रही है एक, पहले वहाँ पे चलते हैं देखते हैं। और ये सामने ये जो मकान सा दिखाई दे रहा है ये यहाँ के जो बाबा जी है उनका मकान है, ये उनको दिया गया है। तो ये है वो शिवलिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ फूल भी चढ़ाए गए हैं उस पर। इसमें यहाँ पे डेली पूजा होती है इस मंदिर में। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये शिवलिंग, देखिए इसमें ये फूल अभी जस्ट के ही लग रहे हैं मुझे, ताजे आज ही सुबह के। और ये है पीपल का पेड़। यहाँ आने के बाद इतनी शांति महसूस हो रही है शरीर में और दिमाग में कि मन कर रहा है यहीं पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये डाक पत्थर से थोड़ा दूरी पे है, हो हल्ले से दूर, तो बहुत ही सुकून। और ये देखो यहाँ पे एक और मूर्ति है, ये पहचान में तो नहीं आ रही है क्या है, मगर ये भी एक पेड़ से सटा के लगा रखी है, ये नीम का पेड़ है। ये कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, ये यमुना जी का बहुत छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे आरती होती है शाम को सुबह। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये व्लॉग पसंद आया हो। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं किसी नए लोकेशन पे, नए प्लेस पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।